फिर जब एमबीए हो जाता है तो स्टार्टअप ज्वाइन करें या कॉर्पोरेट ज्वाइन करें, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब पे ही है, स्टार्टअप वर्सेस कॉर्पोरेट जॉब्स, प्लीज उसको देखिएगा। दोनों दुनिया बहुत ही अच्छी है। मैंने अपनी जिंदगी कॉर्पोरेट से शुरू करी, फिर मैं स्टार्टअप में गया। बहुत लोग जो जानता हूँ जो स्टार्टअप करते हैं फिर कॉर्पोरेट में जाते हैं, बहुत लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ कॉर्पोरेट ही कर रहे हैं और जो सिर्फ स्टार्टअप ही कर रहे हैं। हर एक इंसान खुश है या हर एक इंसान परेशान है, तो कोई ऐसा राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। सिंपल सा आंसर ये है कि इन दोनों सिचुएशंस में आपको नई चीजें जानने के लिए मिलती हैं। एक कॉर्पोरेट में आपको स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस होता है, लोगों के साथ कैसे काम करते हैं वो महसूस होता है, हाउ डू यू रियली गो अबाउट बीइंग अ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर एंड येट मीनिंगफुल थिंग्स हैपन वो समझ में आता है, प्रोसेस की एक अप्रिसिएशन मिलती है। तो इट्स ग्रेट एक्सपोजर टू गेट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। स्टार्टअप में बिल्कुल अलग दुनिया है, बहुत ही जल्दी ग्रोथ मिलती है, यू गेट टू सी अ लॉट, यू गेट टू एक्सपीरियंस अ लॉट, यू गेट टू फील लाइक ओ माय गॉड देयर इज जस्ट सो मच दैट आई एम डूइंग, आई एम इन कंट्रोल ऑफ व्हाट द एक्सपीरियंस इज, आई हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सच अ यंग एज। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर ग्रेट इन अ स्टार्टअप। पिक एंड चूज, माय सजेशन, डू बोथ एंड दैट विल बी द बेस्ट एक्सपीरियंस। इज देयर अ बैचलर्स डिग्री दैट इज बेटर सुटेड फॉर एन एमबीए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फैलेसी है। अगर आप एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं जिनके पास 11th 12th में मैथ्स नहीं थी, आप तब भी एमबीए कर सकते हैं। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तब भी एमबीए कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स हैं तब भी एमबीए कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। हाँ ये है कि एक एमबीए बाय डिजाइन इज अ बिजनेस एजुकेशन, सो इट हैज नंबर्स इन इट, सो यू हैव नो चॉइस बट टू गेट कंफर्टेबल विद द नंबर्स। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो आपको वो मैथ्स सीखनी पड़ेगी, यू हैव नो चॉइस बिकॉज यू आर एंटरिंग द बिजनेस वर्ल्ड। बट is there a restriction or something that sets you at a disadvantage? No, nothing like that. And then finally, kaun sa MBA? PGDM ya MBA? Again, I go back to the same thing. Ya degree ke piche mat bhangiye. Ye naam na koi farak nahi padta hai. ISB ke MBA ka naam hai PGP, Post Graduate Program in Management. Kuch nahi badla hai, kyunki wo PGP tha. वो वही एमबीए है, वो वही वो है, कोई बात भी नहीं करता, सब यही बोलते हैं कि मैं आईएसबी से हूं एंड दैट्स ऑल दैट इट मैटर्स। सो Don't think about what is the degree, whether it is UGC and so on, unless you have to go for some government job or something jahan ek qualification hai. At the end of it, what really matters is, are you getting to learn something new? Are you spending time with super smart people? And are you getting the most that sets you up for life? Okay, now, iske baad, let's start some questions. एंड मैं फिर आखिरी में आपको एक वो दूंगा ऑफ ओके। बहुत सारे सवाल लोगों ने बीच बीच में पूछे हैं, सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड क्विकली एड्रेस देम। प्राची, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू फॉर रीपेइंग योर लोन? प्राची, मुझे अपने आईएसबी के लोन को चुकाने में 9 साल लगे। इट इज नॉट बिकॉज 9 साल लगते हैं, इट्स बिकॉज आई चोज टू पे इट ओवर 9 ईयर्स। ये भी एक फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं फाइनेंस पे बहुत वीडियोस बनाता हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एवरीथिंग दैट आई डू इज अ मैथमेटिकल एक्सरसाइज। अगर आप अपने आईएसबी का लोन पे करना चाहते हैं तो आई नो ऑफ इनफ केसेस जहां लोगों ने 3-3 साल में भी अपना पूरा लोन पे ऑफ कर दिया था। मैंने 9 साल इसलिए ड्रैग किया क्योंकि यू गेट रिडक्शन और अ टैक्स डिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट यू पे। तो जो आप इंटरेस्ट अमाउंट अपने एजुकेशन लोन का हर साल पे करते हैं वो पूरा आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाता है, तो आप उस पर टैक्स बचाते हैं। दूसरा, आप 7 साल तक ये क्लेम कर सकते हैं, सो इट्स अ रियली नाइस हैप्पी पीरियड। एंड तीसरा, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो जो भी वो अमाउंट में पे कर सकता था, अगर वो मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट में डालता तो मैं उससे ज्यादा रिटर्न कमा सकता, तो इसलिए मैंने वो कहीं और डाला, वो रिटर्न कमाता रहा एंड धीरे धीरे ये लोन चुकाता रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा, आई थिंक 8.2% पे मैंने ये लोन लिया था क्योंकि बैक देन मैंने फिक्स्ड पे लिया था एंड इट सर्व्ड मी रियली वेल। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नमन, स्टडीड फ्रॉम यूएस एंड टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स। नमन, यही है जिंदगी यार। यस, यू आर राइट। ओके, इन व्हिच फील्ड डिड आई डू माय एमबीए? सो प्राची, आई स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस, लेकिन फिर मैंने कभी जिंदगी में फाइनेंस किया नहीं, तो इट वाज लाइक हाउ टू गेट इनटू हार्वर्ड। नमन, हार्वर्ड का एक पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत ही वेल डिफाइंड है। अगर आप गूगल करेंगे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, harvard.edu पे, तो
जो जनरली अगर आप अपना एमबीए देना चाहते हैं तो आपको जीमैट देना होगा एंड आपको एक पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये बताता है कि आप उस एमबीए कोर्स को क्यों करना चाहते हैं, आप उसके थ्रू क्या करेंगे। फिर लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होती हैं उन लोगों से जो आपके साथ काम कर चुके हैं या जो आपको पढ़ा चुके हैं। सो इट्स अ वेरी इन्वॉल्व्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। कैट और ये सारे एग्जाम से बहुत बहुत हटके है। सो आई encourage you to think about it and go through it because it's really important. Alpha, what is the minimum percentage in 12th in order to get into IIMs and ISB? Koi minimum percentage nahi hoti hai, aapko sirf pass hona hota hai. There is nothing like that. Okay. Arre chatur ho raha jo I know. Okay. ISB और IIM से बेहतर कौन है? नमन यार, ये सवाल का ना, मतलब ये सवाल थोड़ा सा ऑनेस्टली बेकार है। अगर आपके दोनों में एडमिशन हो जाएगा तो आप ना सिक्का उछाल लेना, जो आएगा आप वहां चले जाना, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है फ्रेंकली। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हाँ कि मैं ISB से हूँ लेकिन मैं बहुत सारे दोस्त हैं जो IIM से भी हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों ही बहुत ही बढ़िया जगह हैं। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका दोनों हो जाएगा और भगवान करे कि आपके दोनों में हो जाए, तो सिंपली सिक्का उछालना, जहां हेड या टेल आएगा उधर। हाँ आदित्य, यस, मोस्ट ऑफ द IITs, मतलब IIT दिल्ली में जानता हूँ, कानपुर जानता हूँ, बॉम्बे जानता हूँ, दे ऑफर रियली गुड एमबीए प्रोग्राम्स। हाँ, एक तो IIT का ऑफ कोर्स नेटवर्क बहुत अच्छा है। एमबीए प्रोग्राम्स बाय द वे IIT के मेन IIT के इंजीनियरिंग से बहुत अलग है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप सडनली IIT के उस नेटवर्क में चले जाएंगे, लेकिन IIT का MBA नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, फैकल्टी डिसेंट है, लेकिन आई थिंक जस्ट दी IIT ब्रांड नेम ना, इट ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू। तो अगर उन दो सालों में आप बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, देन दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट यू कैन गेट फॉर समथिंग लाइक दिस। हाउ माई ओल्ड अकैड्स मैटर? सो अभिषेक, बेसिकली अकैड्स जो है वो फाइनल प्रोसेस में आते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स इन इंडिया का पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको आपको बेसिक क्लियर करना होगा। जब आप उसको क्लियर कर देते हैं, फिर आपके एग्जाम्स उसमें कंसिडर हो जाते हैं। किसी को नहीं पता है क्लियरली कि इनका वेटेज कितना होता है, लाइक 12th का, 10th का, अगर होता भी है कॉलेज का, इनका इंपॉर्टेंस कितना है और इनका वेटेज कितना है। बट हाँ, ये तो डेफिनेटली क्लियर है दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर मार्क्स ऑल्सो मैटर इन एडिशन टू योर एग्जाम के मार्क्स, योर इंटरव्यू और अगर कोई GD वगैरह भी था। Okay. Athar, I'm in the final year of my mechanical engineering. Should I go for core technical job or should I go for a management job which will help me in MBA admission and program? So Athar, MBA में घुसने के लिए MBA से पहले की आपकी जॉब जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। इट कुड बी अ टेक्निकल जॉब क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं, इट कुड बी अ मैनेजमेंट जॉब क्योंकि आप करना चाहते हैं। दैट इज प्योरली योर डिसीजन, नथिंग इज कॉन्क्रीट। MBA के किसी भी एडमिशन में, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता है कि आपके नेचर ऑफ द जॉब इज ऑल्सो क्राइटेरिया, ऐसा कहीं भी मुझे नहीं पता। Okay. ईशान, what are the opportunities one can get in finance specialization from any business school? तो ईशान, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। सबसे पहले रिटेल बैंकिंग, तो जो बैंक्स हम जानते हैं, ICICI, HDFC, SBI, इनमें आपको ब्रांच मैनेजर, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन सब की रोल्स मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, सेल्स होता है, स्ट्रक्चरिंग होता है, रिसर्च होता है, सो दैट इज अनदर साइड दैट यू कैन एक्सप्लोर। यू कैन ऑल्सो गो इनटू डेटा एंड एनालिटिक्स एंड रिसर्च, तो बहुत सारे BPOs, KPOs हैं, रिसर्च कंपनीज हैं, एनालिटिक्स कंपनीज हैं जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हायर करती हैं। यू कैन गेट इनटू रिस्क प्रोफाइलिंग, तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स कंपनीज होती हैं जो रिस्क मेजर करने के लिए फाइनेंस प्रोफेशनल्स को हायर करती है। यू कैन ऑफकोर्स ज्वाइन द फाइनेंस डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनीज, तो आप किसी कॉर्पोरेट में कॉर्पोरेट फाइनेंस कर सकते हैं या किसी स्टार्टअप में फाइनेंस के रोल्स कर सकते हैं। सो प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल हु हैव फाइनेंस एज अ स्पेशलाइजेशन in a MBA.